इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉरी फोटोज कांट ओपन दिस फाइल बिकॉज फॉर्मेट इज करेंटली सपोर्टिव अनसपोर्टेड और द फाइल इज करप्टेड। तो यहाँ पर हमें करने के चाहिए उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में इस तरीके से लिखा हुआ आता है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है तो हमें करना क्या रहता है। देखिए यहाँ पर अगर ये जब हम फाइल को ओपन करते हैं, इमेज को ओपन करते हैं, तो वहाँ पर पिट मैप जो होती है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ इमेज जो होती है विंडोज 10 के अंदर ज़्यादातर इशू आता है। अब यहाँ पर हमारी इमेज है, हम इसको इजीली जो है यहाँ से खोलेंगे, आईफोन की है। और कुछ जो है यहाँ पर इमेज यहाँ पर हमारा सिस्टम नहीं खोल पाता है। अब जैसे ओपन विद करते हैं और हम इस पर फोटोज़ पर जाते हैं, वो इनडायरेक्टली इसे खोल देगा, ठीक है। बट अब हम क्या करते हैं देखिए ध्यान से, कि जैसे कि हम इस वाली फाइल में जाते हैं और इसको रीनेम करते हैं, ठीक है। रीनेम करने के बाद डेल आगे का जो फॉर्मेट है उसको हटा के MP पर JPJ लगा देते हैं, ठीक है। ये बन जाएगी हमारी इमेज अगर ये रन में चल रही होगी। और फिर इस फाइल को अगर हम किसी वजह से खोलते हैं तो वहाँ पर एरर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारा सिस्टम रहता है। ये आपको कभी भी कोई सी भी फाइल को, ठीक है, फॉर्मेट करके नहीं यूज़ करना है, वरना फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, बाकी ऐसा होता नहीं है। जो ठीक फाइल होती है वो ओपन हो जाती है, और अगर ओपन नहीं होती है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कई एप्लीकेशन और भी हैं उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इतना प्रोसेस रहता है बिल्कुल बेसिकली इसका सिंपल सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।